हरे कृष्णा, मैं भक्तिन सुरवी, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। तो एक बहुत ही अच्छी और हम्बल डिवोटी अंकिता कृष्णा जी ने मुझे कमेंट पे रिक्वेस्ट किया है कि पुरुषोत्तम मंथ जो कि 18 सितंबर से स्टार्ट होगा, उसके ग्लोरीज में ग्लोरीज के ऊपर वीडियो बना के मैं अपलोड करूँ। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगी पुरुषोत्तम महीना क्या है, वो कैसे आया और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पुरुषोत्तम महीना कब आता है? ये आता है हर 3 साल में या उससे ज्यादा में, जब फुल मून 2 बार आता है इन लेस देन 29 सोलर डेज। तो तब जो एक्स्ट्रा मंथ आता है या फिर लीप मंथ आता है वही पुरुषोत्तम मंथ है। उसको बोलते हैं अधिक मास या फिर अधिमास। पुरुषोत्तम मंथ का महीना का जो महिमा है उसका वर्णन श्री स्कंद पुराण, श्री पद्म पुराण और श्री नारदीय पुराण में है। एक बार नारद मुनि बद्री का आश्रम पहुंचते हैं, जहाँ पे भगवान श्री नारायण विराजमान थे। तो वहाँ पे जाने के बाद नारद मुनि ने भगवान श्री नारायण को अपना प्रणाम निवेदन किया और उनसे पूछा, हे करुणा सिंधु, मैं आपसे आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो संसार के जीव है वो अपने संतुष्टि में इतना लगे हैं, इतना व्यस्त हो गए हैं कि वो आपको भूल गए हैं, परम सत्य को वो भूल गए हैं, उनका परम उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है जीवन का वो भूल गए हैं। तो कृपया आप ऐसा कुछ बताइए जो संसार में जो लोग रहते उनके लिए भी और मुनि ऋषियों के लिए भी उपकारी होगा। तो भगवान श्री नारायण नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद, मैं अभी जो तुम्हें बोलूंगा कृपया वो तुम ध्यान से श्रवण करो। वैसे तो तुम्हें सारा सत्य पहले से ही पता है, पर सारे संसार में जीव है उनके लिए तुम ये श्रवण करना चाहते हो। तो मैं तुम्हें अभी बहुत ही पवित्र पुरुषोत्तम महीने के महिमा के बारे में बताऊंगा। उसके बाद नारद मुनि भगवान श्री नारायण से पूछते हैं, हे करुणा सिंधु, मैंने सारे महीने जैसे कि कार्तिक महीना, चैत्र महीना का जो महिमा है उसका कथा मैंने श्रवण किया, पर ये पुरुषोत्तम महीना क्या है? उसके बाद भगवान श्री नारायण नारद मुनि से कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम महीना का अगर कोई ठीक से पालन करता है तो उसको संसार का सारा सुख तो प्राप्त होता ही है और अंत में उसको गोलोक वास तक भी मिलता है। पर सबसे पहले तुम ये सुनो, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से क्या कहा। कैम्बलिंग में युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन से अपना राज्य, अपना सिंहासन, यहाँ तक कि अपने पत्नी को भी खो दिया। उसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, घोर अपमान हुआ, और दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने तक का भी कोशिश किया, और इस घिनौने परिस्थिति से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का रक्षा किया। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज अपने भाई और अपने भाइयों को लेके और अपने स्त्री द्रौपदी को लेके वनवास के लिए चले गए काम्यवन यानी कि वृंदावन में। जब पांडव वनवास में थे तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए वन में गए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाने के बाद सारे पांडव और द्रौपदी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। ऐसा लगा कि उनका वनवास काल में जितना भी दुख और कष्ट था, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद उनका सारा दुख और कष्ट जैसे एक ही क्षण में गायब हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रणाम निवेदन। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों का इतना करुण अवस्था उन्होंने देखा तो भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और साथ ही साथ बहुत गुस्सा हो गए दुर्योधन के प्रति। उन्होंने उनको देख के ऐसा लगा कि एक ही क्षण में पूरे विश्व ब्रह्मांड को वो खत्म कर देंगे। पांडव बहुत डर गए भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रूप देखकर। उन्होंने बहुत ही विनम्र रूप से भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रार्थना प्रणाम निवेदन किया। उसके बाद अर्जुन का इतना सुंदर प्रार्थनाएं सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए और उन्होंने बोला कि मैं अपने भक्तों के भक्ति से ही चलता, इसलिए अब मैं तुम्हें पवित्र पुरुषोत्तम महीने का महिमा श्रवण कराऊंगा, कृपया तुम सब अच्छे से श्रवण करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि एक बार इस पृथ्वी में एक एक्स्ट्रा महीना आया, ये जो एक्स्ट्रा महीना आया इसको लोग अशुद्ध मानने लगे, जैसे इसको खर मास खर महीना बोलने लगे। जैसे मल को कोई छूता नहीं है उसको अशुद्ध माना जाता है, वैसे इस महीने को अशुद्ध माना गया। लोग इसको मल मास मल महीना बोलने लगे। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा आदि नहीं करते थे। लोगों ने बहुत ही ज्यादा अपमान किया और खराब शब्द
इस महीने के अगेंस्ट में बोला। उसके बाद ये जो महीना है इसको अगर हम पर्सनालिफाई करेंगे, इस महीने का जो रूप है वो महीना जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए और उसके बाद वो पहुंच गए बैकुंठ में। बैकुंठ में जाके श्री विष्णु का, विष्णु के पास जाके, श्री विष्णु अपने सिंहासन में विराजमान थे, उनके चरण पकड़ के बहुत जोर जोर से रोने लगे। भगवान श्री विष्णु ने अधिक मास को उठाया और उनको बोला कि कृपया आप मत रोइए, आप बोलिए आपको क्या हुआ है। तो अधिक मास ने बोला कि हे करुणा सिंधु, मेरे जैसा करुण स्थिति अवस्था किसी का भी इस संसार में नहीं है। पृथ्वी का कोई भी लोग मुझे पसंद नहीं करता है, सारे देवताएं और सारे मनुष्य मुझे अपमान करते हैं। जितने भी दिन है, रात है, ऋतु है, नक्षत्र है, दिशा है, सबका अपना अपना नाम है, सबका अपना परिचय है, सब आपके आदेश के अनुसार अपना कार्य करते हैं, पर मेरा तो कोई नाम भी नहीं है, मेरा कोई पति भी नहीं है, मुझे सुरक्षा प्रदान करने वाला भी कोई नहीं है। कृपया आप मुझे सहायता कीजिए, मैं मृत्यु को वरण करना चाहती हूँ, मैं बस मृत्यु को ही वरण करना चाहती हूँ। ऐसे बोल बोल के अधिक मास भगवान श्री विष्णु के सामने फूट फूट के रोने लगे। अधिक मास का ऐसा करुण परिस्थिति देखने के बाद भगवान श्री विष्णु ने अधिक मास को बोला, हे पुत्री, हे वत्स, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो दुख है वो बहुत ही जल्दी मिट जाएगा। तुम मेरे साथ गोलोक में चलो, जो बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी है वो भी गोलोक तक जाने के लिए कितने सालों तक तपस्या करते हैं, फिर भी वो वहाँ तक जाने की काबिल नहीं बन पाते हैं। मैं तुम्हें उस गोलोक में लेके जाऊंगा जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ लीलाओं का आनंद लेते हैं। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण दो हाथ में उनका रूप है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का दो हाथ है, तो वहाँ पे गोलोक वृंदावन में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक का मालिक है वो तुम्हें इस दुख से जरूर निकालेंगे। उसके बाद भगवान श्री विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़ के उनको गोलोक तक लेके जाते हैं। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद वो अधिक मास और भी जोर जोर से रोने लगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री विष्णु से पूछा कि इसको क्या हुआ है, ये किस लिए रो रही है, गोलोक वृंदावन में है फिर भी रो रही है। तो भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इसका बहुत ही ज्यादा करुण अवस्था है, आपके अलावा इसको कोई भी उद्धार नहीं कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने को वरदान दिया कि आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, यानी कि पुरुषोत्तम महीना। पुरुषोत्तम महीने के नाम से ये अधिक मास उस दिन से जाना गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस अधिक मास से, यानी कि पुरुषोत्तम मास से, पुरुषोत्तम महीने से कहा कि आज से मेरे जितने भी गुण है मेरे अंदर, वो सारे गुण तुम्हारे अंदर भी होंगे। मेरे अंदर जितना भी ख्याति है, सक्सेस है, मेरे अंदर जितना भी ऑपुलेंस है, जितना भी क्वालिटी है, वो सब तुम्हारे अंदर आज से होगा। मेरे जितना समान तुम, गुणशाली, शक्तिशाली, सब सारे गुण तुम्हारे अंदर आज से होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस पुरुषोत्तम महीने से कहा कि आज से मैं इस पुरुषोत्तम महीने का पति हूँ, इसको पूजा करना और मुझे पूजा करना समान होगा। जितने भी महीने हैं उस महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना ये पुरुषोत्तम महीना होगा। आज से सभी लोग, इस संसार के सभी लोग और देवता भी इस पुरुषोत्तम महीने का पूजा करेगा। जो भी व्यक्ति इस पुरुषोत्तम महीने का पूजा करेगा वो मेरे को पूजा करने का समान फल लाभ करेगा। पूर्व में जितने भी उसने पाप कार्य किया है वो सब उसका मिट जाएगा, उसको संसार के सारे सुख मिलेंगे और अंत में वो गोलोक जाने के काबिल बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई जप नहीं करता है, कोई भी दान नहीं करता है और भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों को अपमान करता है, ब्राह्मण के साथ खराब व्यवहार करता है और उनके साथ शत्रुता बनाता है और पुरुषोत्तम महीने को जो अपमान करता है, अंत में वो निश्चित नरक में जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहिए और इन सब कामों में कोई भी कार्य ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तम महीने में हमें डेली ये कार्य निश्चित रूप से करना चाहिए। पहला, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप अवश्य करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पुरुषोत्तम योग का पाठ करना चाहिए, घी का दिया भगवान श्री कृष्ण को डेली अर्पण करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के नाम का वर्णन करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। तो यही कथा भगवान श्री कृष्ण इतनी देर से
युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को सुना रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि तुम लोगों को पता है कि ये पुरुषोत्तम महीने का पालन ना करने के वजह से तुम लोगों का आज ये दुर्गति हुआ है, तुम लोगों का आज ये करुण परिस्थिति हुआ है। पुरुषोत्तम महीना कुछ दिन पहले ही निकल गया पर तुम लोगों ने इस महीने का पालन नहीं किया, इसलिए तुम लोगों का आज ये दुर्गति हुआ है। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि द्रौपदी के साथ ऐसा करुण परिस्थिति क्यों हुआ, अपमानजनक परिस्थिति द्रौपदी को क्यों फेस करना पड़ा। तो द्रौपदी पिछले जन्म में एक ब्राह्मण मुनि की बेटी थी, उसका नाम था मेधावी। तो मेधावी जब छोटी थी तभी उसकी जो माता जी थी, उसकी मम्मी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके पापा उसका ख्याल रखते थे। तो वो बहुत सुंदर होके बड़ी हो रही थी, युवती बन गई वो, बहुत ही सुंदर थी, पर उसके पापा इंटरेस्टेड नहीं थे उसको शादी कराने में। तो ऐसे ही कुछ साल बीत गए और मेधावी के जो पापा है उनका भी मृत्यु हो गया। उसके बाद मेधावी अकेले रह गई इस संसार। एक दिन मेधावी के घर में दुर्वासा मुनि आए। तो दुर्वासा मुनि को देखते ही मेधावी ने उनको फल फूल और अपना प्रणाम निवेदन किया। तो दुर्वासा मुनि को देखते ही मेधावी बहुत जोर जोर से रोने लगी उसके दुख के वजह से। तो दुर्वासा मुनि ने मेधावी से पूछा कि पुत्री तुम किस लिए रो रहे हो। तो मेधावी ने कहा दुर्वासा मुनि से कि हे मुनिवर, आप तो वर्तमान भूत भविष्य सब जानते हो, आप जानते हो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा कोई पति भी नहीं है कि वो मेरा सुरक्षा करे, मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं है, तो कृपया आप मुझे कोई उपदेश दीजिए। तो दुर्वासा मुनि ने बोला कि आज से ठीक 3 महीने बाद पवित्र पुरुषोत्तम महीना आएगा, जो सारे महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है। तो उस महीने में तुम अच्छे से पुरुषोत्तम, भगवान श्री पुरुषोत्तम का पूजा करो। उस महीने में एक बार भी, सारे महीने में कोई अगर एक बार भी कोई पवित्र तीर्थ में स्नान करता है, जैसे गंगा स्नान करता है, तो उसको 12,000 सालों तक गंगा स्नान करने का जो फल होता है वो लाभ होता है। तो इसलिए इस महीने में तुम कोई पवित्र तीर्थ में स्नान करो, भगवान श्री पुरुषोत्तम का नाम जप करो और साथ ही साथ दान भी करो। इस तरह से तुम्हारे जीवन के सारे इच्छाएं पूर्ण होंगे और तुम्हारे जीवन से सारे दुख मिट जाएंगे। दुर्वासा मुनि के इन सारे शब्दों को सुनने के बाद द्रौपदी, मतलब पिछले जन्म में मेधावी, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने फिर दुर्वासा मुनि से बोला, हे मुनिवर, आप क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आप कैसे ये बोल रहे हो कि अधिक मास यानी कि मल मास, वो कैसे कार्तिक वैशाख माघ महीने से शुभ हो सकता है, वो कैसे अच्छा हो सकता है? उस महीने में कोई भी शुभ कार्य करने को मना किया गया है, तो आप मुझे करने को किसके बोल रहे हो? दुर्वासा मुनि मेधावी के इन शब्दों को सुनने के बाद बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, उनका पूरा शरीर कांपने लगता है, उनके आंखें लाल हो जाते हैं। वो मेधावी को श्राप देने ही वाले थे पर उन्होंने खुद को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो मेधावी के करुण अवस्था को देख के खुद को कंट्रोल कर लिया। उन्होंने मेधावी को बोला, हे मूर्ख, तुम्हें कोई भी शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, तुमने आज पुरुषोत्तम महीने के अगेंस्ट में बहुत बड़ा अपराध किया, पर मैं इन अपराधों को सीरियसली नहीं ले रहा हूँ और तुम्हें श्राप नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा पिता मेरा अच्छा मित्र था, इसलिए मैं तुम्हें ये बोल के जा रहा हूँ कि अगले जन्म में इस अपराध का फल तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। दुर्वासा मुनि वहाँ से चले गए। उसके बाद मेधावी का पूरा शरीर बहुत कुत्सित हो गया, बहुत ही खराब वो दिखने लगे। उसके बाद मेधावी ने भगवान शिव, भगवान आशुतोष का पूजा किया, 9,000 सालों तक उनके लिए तपस्या किया। जब गर्मियों का सीजन होता था तब आग से चारों तरफ सराउंडेड बाय फायर और सूर्य का ताप उसके ऊपर पड़ता था, और विंटर सीजन में एकदम ठंडा पानी के नीचे बैठ के वो भगवान शिव का तपस्या करती थी। उनका पूजा देखने के बाद, साधना देखने के बाद जितने भी देवताएं थे वो भी डर जाते थे। उसके बाद भगवान शंकर एक दिन मेधावी के सामने आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। तो उसके बाद उनका दर्शन पाते ही मेधावी का जो पहले जैसा शरीर था सुंदर, वैसा ही बन जाता है। उसके बाद भगवान आशुतोष, भगवान शंकर मेधावी से बोलते हैं, बोलो तुमको क्या आशीर्वाद चाहिए। तो मेधावी बोलती है, मुझे पति चाहिए, 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 5 बार बोलती है और फिर चुप हो जाती है। तो भगवान शिव बोलते हैं, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, तुम्हें पति मिलेगा, तुम्हें 5 पति मिलेगा। ये सुनने के बाद मेधावी चौंक जाती है, वो बोलती है 5 पति एक लड़की के लिए पाना बहुत ही शर्म लायक, एक बहुत शेमफुल एक चीज है, तो मुझे 5 पति नहीं चाहिए, आप कृपया अपने शब्दों को वापस ले लीजिए। तो भगवान शंकर बोलते हैं, ये असंभव है, तुमने जो मांगा
तुमने बोला मुझे पति चाहिए और 5 बार बोला, तो मैंने तुम्हें वही वरदान दिया। और मेरे में और दुर्वासा मुनि में कोई अंतर नहीं है। उनको तुमने पुरुषोत्तम महीने का जो महिमा है, पुरुषोत्तम महीने को तुमने अपमान किया, तो इस हिसाब से तुमने मुझे भी अपमान किया। जितने भी देवताएं हैं, जितने भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं, पुरुषोत्तम जो महीना है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, भगवान पुरुषोत्तम है। जितने भी देवताएं हैं सब पुरुषोत्तम महीने का पूजा करते हैं, और इसका फल, इसको अपमान करने का फल तुम्हें अगले जन्म में जरूर मिलेगा। इसके बाद भगवान आशुतोष वहां से चले जाते हैं, और अगले जन्म में मेधावी द्रौपदी बन के आती है, और इसलिए दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का ऐसे अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से बोलते हैं कि अब तुम लोगों ने पुरुषोत्तम महीने का पालन नहीं किया, पर अगले नेक्स्ट टाइम जो पुरुषोत्तम महीना आएगा उसका जरूर पालन करना। उसके बाद तुम लोगों के जीवन से सारा दुख मिट जाएगा। पवित्र पुरुषोत्तम महीना 18 सितंबर से स्टार्ट होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप ये पुरुषोत्तम महीना बहुत अच्छे से पालन कीजिए। तो इस महीने में कुछ पॉइंट्स मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक है नंबर वन, इस महीने का मेन उद्देश्य हमें क्या करना है। इस व्रत करने का मेन उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को खुश करना। सेकंड है, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा जप करना। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को पद्म, गुलाब या फिर तुलसी पत्ता अर्पण करना। और फिर इस महीने में ब्राह्मण, गाभी, किसी भक्त को, किसी शास्त्र को, किसी साधु को अपमान नहीं करना। पुरुषोत्तम व्रत पालन करते हुए अपने आप को प्रॉमिस करना कि इस महीने में, पूरे महीने में मैं कोई किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं अच्छे से एक सुंदर ट्रूथफुल वे में जीवन पालन करने की कोशिश करूंगा। अगर संभव है तो किसी तीर्थ में जाके स्नान करना और डेली शास्त्र का पाठ करना और घी का दिया भगवान को अर्पण करना। तो यही थी महिमा कथा पुरुषोत्तम महीने। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सबके साथ शेयर करना, ताकि सबको पता चले पुरुषोत्तम महीना कब है, कैसे हमें पालन करना है। और आपको कोई भी और टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आप सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे।